ग्रेटर नेपाल के बारे में कई सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि ग्रेटर नेपाल का क्या हुआ क्या बना और क्या होने वाला है देखिए इन दिनों में ग्रेटर नेपाल की मुहिम को थोड़ा ऊंचा किया जा रहा है नेपाल की मीडिया की तरफ से और नेपाल की मीडिया इसके ऊपर बात कर रही है वो इसलिए मैं क्योंकि मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले एक जीत के लिए की वीडियो बयान की थी उसके साथ मैंने ग्रेटर नेपाल की वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी की नेपाल की मीडिया फिर से ग्रेटर नेपाल के ऊपर बात करने लगी है देखिये ग्रेटर नेपाल कभी भी हो नेपाल को लेना तो है मैंने एक वीडियो और शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था की ब्रिटेन की कंपनी मैंने आपके साथ ये बताया था कि ब्रिटेन एम के लोग जो है नेपाल के अंदर जगह जगह पे घूम रहे हैं और नेपाल की जो हकीकत है नेपाल की जो हिस्ट्री है वो नेपाल की यूनिवर्सिटी स्कूलों के अंदर स्टूडेंट्स को समझा रहे बता रहे की क्या नेपाल था और कैसे टूटा गया था अब अगर हम ग्रेटर नेपाल की बात करते हैं तो ग्रेटर नेपाल की मुख्तलिफ राय है हमारे पास मुख्तलिफ लोगों की बातें हमारे पास आ रही है यहाँ पे ये बात आ रही है की ग्रेटर नेपाल की जो जमीने हैं वो नेपाल की है और नेपाल को दे देनी चाहिए इंडियन मीडिया ये कहता है जबकि अगर हम इंडियन मीडिया की दूसरी रिपोर्ट को देखते तो इंडियन मीडिया का ये कहना होता है कि ग्रेटर नेपाल कभी हुआ ही नहीं करता था अब नेपाल ने यह बात की है की ग्रेटर नेपाल तो हमें चाहिए और हम इसको लेके रहेंगे क्योंकि हमारी मेन जगह है और हम इसी को हासिल करेंगे और वो इसीलिए बात कर करें क्योंकि ग्रेटर नेपाल एक एक्चुअल में नेपाल की जगह है एक्चुअल में नेपाल इसको लेना चाहता है मैं क्यों बात कर रहा करू क्योंकि यार देखिए ग्रेटर नेपाल वो एक अजीम जगह है नेपाल की जिस पे नेपाल राज करता था एक टाइम था तकरीबन चार सालों तक उन्होंने इसके ऊपर राज किया चार सालों तक ग्रेटर नेपाल पाल को अपने पास रखा ब्रिटेन के लोग आए या ब्रिटिश की आर्मी आई उन्होंने एक जंग की नेपालियों के साथ फिर दूसरी की फिर तीसरी की दो के अंदर तो उन अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा इन तीसरी के अंदर तीसरी के अंदर वो नए हथियार लेके आए जिसकी वजह से नेपालियों को हार का सामना करना पड़ा और नेपाली हार चुके थे इसके अंदर तो ये थी ग्रेटर नेपाल की एक्चुअल हिस्ट्री के क्या है था और कैसे टूटा ग्रेटर नेपाल अठारह के अंदर टूटा गया था और पंद्रह के टाइम से लेके इसको बनाया गया था पृथ्वी नारायण शाह के टाइम से